आज हम लोग डिस्कस करते हैं टेलर सच हो रहा हूँ वो भी दो वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल में टेलर सच हो रहा हूँ आप लोग पहले कर चुके हैं टेलर सच हो रहा हूँ क्या था सिंगल वेरिएबल में किसी भी फंक्शन का एक वेरिएबल हुड पे इस फंक्शन देता था सिंगल वेरिएबल में इट मीन्स अगर कोई भी फंक्शन एन प्लस वन टाइम्स डिफरेंशिएबल होता था उसका एक्सपेंशन हम लोग निकालते थे इफ ए प्लस एच इज इक्वल इफ ए प्लस एच एफ डैस ए प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैस ए एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैस ए सो ऑन प्रोसेस टू बी कंटिन्यू ऐसा था सिंगल वेरिएबल में टेलर्स का स्टेटमेंट फिलहाल हम लोग चाहते हैं दो वेरिएबल में टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा एंड देन उसको हम लोग प्रूव करेंगे तो दो वेरिएबल में टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है लेट एफ ऑफ एक्स वाई लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी अ फंक्शन व्हिच हैव कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव Let f of x y be a function which have continuous partial derivative of all order in neighborhood of each point on the line segment PQ, where P is the point AB and Q is the point A plus H, B plus K. Then, if A plus H, B plus K is equals above AB, above AB plus H, del by del x, K del by del y, function of AB plus 1 by factorial 2, H del by del x plus K del by del y square, above AB plus dot dot, 1 by factorial n, H del by del x plus K del by del y, power n, F AB, process to be continuous. क्योंकि टेलर्स का स्टेटमेंट होता है वो इनफाइनाइट टर्म्स की सुपरपोजिशन होता है या अगर मन है तो आप एलिमेंट लगा सकते हो इससे आगे वाले सारे टर्म को ऐड करके हम लोग आर एन लिख सकते हैं हम लोग का जो मेन लॉजिक होगा वो टेलर्स के स्टेटमेंट को प्रूफ करने का हम लोग उसके लिए यूज करेंगे दो लॉजिक सबसे पहला बात तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई को एक पैरामेट्रिक फॉर्मेट में चेंज करेंगे मतलब सिंगल वेरिएबल के टर्म में पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है तो अगर कोई एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन है तो उसमें दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई यदि आप दोनों वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो जिस वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट करोगे वह वेरिएबल पैरामीटर कहलाएगा एंड उस टाइप का रिप्रेजेंटेशन पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा दो वेरिएबल का फंक्शन है ए बी के नेबरहुड में है उस फंक्शन को हम लोग चेंज करेंगे एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में जब वह सिंगल वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा देन भी मैक्लोरिन का हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़े थे तो उस स्टेटमेंट को यूज करेंगे देन भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दोगे वैल्यूज वगैरह प्रूव कर दोगे तो तुम्हारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा देखिए इस लॉजिक को कैसे सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में हुआ कैसे Let x equal a plus t h y equal b plus t k 0 less equal t less equal 1 is parameter is parameter Therefore, parameter and f of xy
एक्स के बदले में आप ए प्लस टी एच डाल दिए हो, एम ऑफ ए प्लस टी एच, और वाई के बदले में डी प्लस टी के डाल दो। ये तो पूरा अपनी चेंज कर गया, एक वेरिएबल टी के टर्म में इक्वल्स टू पॉइंट फाइव ऑफ टी, ये आप चेंज कर दिए इसको पार्टनरशिप फॉर्मेट में। अब वन बाय वन इसका मतलब हो गया that is phi t equal if a plus th b plus tk। आगे इसका जब जरूर पड़ेगा तब इसको यूज करेंगे। we know that from Maclaurin's theorem, Maclaurin's theorem, phi of t equals phi of zero I of G O plus T highest G O T square by factorial 2 high double dash G O T Q by factorial 3 high triple dash G O plus dot dot T to the power n by factorial n phi n 0 plus dot dot, put करते हैं इसमें t equals 1, put t equals 1, phi of 1 equals phi 0 plus phi dash 0 plus 1 by factorial 2 phi double dash 0 1 by factorial 3 phi triple dash 0 plus dot dot 1 by factorial n phi n 0 plus dot dot। कोई इक्वेशन नंबर 2 मान लिया इसको, 1 आप पहले मान लिए हैं, इसको कोई 2 मान लिया। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होगा द phi 1 का वैल्यू क्या होगा, phi 0 क्या होगा, phi dash 0, phi double dash 0, phi triple dash 0, so phi n 0, इस सब का मान निकाल के इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे। सबसे पहले ये तो डैश है, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो भी दो वेरिएबल वाला। तो वन बाय वन चूंकि phi t equal सिंस phi t equal f of a plus th b plus tk phi dash t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे। सबसे पहले यहां पे आप चेंज रूल लग जाएगा, डेल एफ बाय डेल एक्स डी एक्स बाय डी टी प्लस डेल एफ बाय डेल वाई डी वाई बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी डी वाई बाय डी टी आप निकाल लो। चूंकि एक्स इक्वल a प्लस टी एच वाई इक्वल बी प्लस टी के, डी एक्स वाई डी टी इक्वल होगा a कॉन्स्टेंट है जीरो, टी का टी के लिए डिफरेंशिएशन वन एच, वाई इक्वल बी प्लस टी के है डी वाई बाई डी टी, बी कॉन्स्टेंट है जीरो, टी का टी के लिए वन के,
इस दोनों वैल्यूज को लाके यहां पे डाल दो, देयरफॉर 5st इस वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर 5st इक्वल डेल एफ बाय डेल एक्स डीएक्स बाय डीटी एच प्लस डेल एफ बाय डेल वाई डीवाई बाय डीटी के। इससे मतलब निकलता है जब फाइव एस टी इक्वल एच डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस के डेल एफ बाय डेल वाई, एफ को आप बाहर कर लो, हाई डैश टी इक्वल एच डेल वाई डेल एक्स के डेल वाई डेल वाई। एफ एफ क्या था आपका, एफ ए प्लस टी एच बी प्लस टी ए, टी का वैल्यू डाल दो पुट टी इक्वल्स जीरो, हाई डैश जीरो इक्वल एच डेल वाई डेल एक्स के डेल वाई डेल वाई। एफ ए प्लस जीरो ए बी प्लस जीरो तो बी, हाई डैश जीरो मेरा निकल गया। ऐसे ही इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट कर दें तो हाई डबल डैश जीरो निकलेगा, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करें हाई ट्रबल डैश जीरो निकलेगा। सिमिलरली उसको जनरलाइज कर देंगे तो एन बार का डेरिवेटिव निकाल देंगे एंड टी के बदला में इसमें वन डाल देंगे तो फाई वन का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब फाई जीरो फाई डैश जीरो फाई डबल डैश जीरो ये सारा कुछ निकल जाएगा मेरा, देन इस सारे मामला के इसमें पुट कर देंगे जो बनेगा वही हमारा टेलर्स का एक्सपेंशन बनेगा। फिलहाल हम एक बार का डेरिवेटिव निकाले हुए हैं, एक बार का डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल दिए, देन फिर उसमें टी बराबर जीरो ही पुट कर दिए। अब हमको दोबारा भी डिफरेंशिएशन चाहिए फाइव डबल डैश जीरो, तो फाइव डैश टी को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो फाइव डबल डैश टी निकल जाएगा सेकेंड टाइम के लिए, क्योंकि फाइव डैश टी आपका है एच डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस के डेल एफ बाय डेल वाई। देयरफॉर फाइव डबल डैश टी फाइव डबल डैश टी एच को कॉन्स्टेंट होगा, इसका पहले एक्स के लिए डेल वाई डेल एक्स डेल एफ वाई डेल एक्स डी एक्स वाई डी टी प्लस डेल वाई डेल वाई डेल एफ वाई डेल एक्स डीवाई वाई डी टी। सेम लॉजिक पे के का के बाहर डेल वाई डेल एक्स डेल एफ वाई डेल वाई इंटू बी एक्स वाई डी टी प्लस डेल वाई डेल वाई डेल एफ वाई डेल वाई डी वाई वाई डी टी। अब डी एक्स वाई डी टी क्यू वाई वाई डी टी सब का हम लोग वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं, इस सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, फाइव डबल डैश टी एच डेल टू एफ वाई डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई डी टी एच था मेरा डेल टू एफ वाई डेल वाई डेल एक्स डीवाई वाई डी टी के था प्लस के
del 2 f y del x del y dx y dt x plus del 2 f y del y square dy y dt theta. Then we have our simplification I don't just see so x del 2 f y del x square. ये एच इस एच के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो एच स्क्वायर प्लस एच के एच के डेल टू एफ वाई डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स प्लस एच के डेल टू एफ वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस के स्क्वायर डेल टू एफ वाई डेल वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू स्वाच यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है. जब ये पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स वाई का एग्जिस्टेंस रहा होगा, एफ एक्स वाई का भी एग्जिस्टेंस रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग एफ एक्स वाई बराबर होगा एफ वाई एक्स के. चूंकि f x y इक्वल है f y x के, तो जब ये इक्वल है आप इस दोनों को ऐड कर सकते हो. जब उस दोनों को ऐड कर दोगे तो एक रिजल्ट बनेगा हाई डोमेनियस t x स्क्वायर डेल टू f y डेल x स्क्वायर प्लस टू h k डेल टू एफ वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस के स्क्वायर डेल टू एफ वाई डेल वाई स्क्वायर कुछ ऐसा आपका रिजल्ट बन रहा है. इसमें से हम लोग इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. आप इसको लिख सकते हैं हाई डबल डैश टी इक्वल एच स्क्वायर डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एच के डेल टू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस के स्क्वायर डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर एफ. इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं I double dash t ये a square अगर आप इसको लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो h del y del x का square plus 2 h k del y del x del y del y plus k del y del y का स्क्वायर एफ ए प्लस टी एच बी प्लस टी के. ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर हाई डबल डैश टी एच डेल वाई डेल एक्स प्लस के डेल वाई स्क्वायर एफ ए प्लस टी एच बी प्लस टी के. आपको तो जरूरत है हाई डबल डैश जीरो का, इसमें पुट कीजिए टी इक्वल्स जीरो, पुट टी इक्वल्स जीरो वी गेट हाई डबल डैश जीरो इक्वल हाई डबल डैश जीरो हाई. देखो इसमें हम लोगों को जरूरत था हाई डबल डैश जीरो का, हाई डबल डैश टी तो हम लोग निकाल दिए. अब हाई डबल डैश जीरो इसमें टी के बदले में जीरो पुट कर लो, टी के बदले में जीरो
तो जब आप जीरो मुक्त करोगे तो फाइव डबल एक्स जीरो एक्स डेल वाई डेल एक्स प्लस के डेल वाई डेल वाई ए प्लस जीरो बी प्लस जीरो फाइव डबल एक्स जीरो इक्वल एक्स डेल वाई डेल एक्स के सॉरी स्क्वायर एच डेल वाई डेल एक्स प्लस के डेल वाई डेल वाई स्क्वायर एफ ए बी इसको हम लोग जनरलाइज कर देंगे तीसरे बार में जाओगे और थोड़ा सा लंबा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जब आप डिफरेंशिएशन समझो तो डिफरेंशिएशन कैसे किया चूंकि हम लोग जानते हैं जिया डिफरेंशिएशन सेकेंड टाइम का कैसे किया और फर्स्ट टाइम वाला भी मैं अगर डॉट है तो हम लोग जानते हैं डी एफ बराबर होता है डेल एफ वाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ वाई डेल वाई डी वाई। हम लोग फंक्शन को टी के टर्म में बदल दिए थे डी एफ वाई डी टी बराबर हो जाएगा डेल एफ वाई डेल एक्स डी एक्स वाई डी टी प्लस डेल एफ वाई डेल वाई डी वाई बाई डी टी। जब आप सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन करोगे डी एक्स वाई डी टी डी वाई बाई डी टी हम लोग निकाल के रख चुके हैं। जब आप सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसको भी चूंकि डिफरेंशिएशन प्लस माइनस में सेपरेट होता है अब इसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देन फिर इसका डिफरेंशिएशन इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वन बाय वन। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन किए एच कॉन्स्टेंट था इसका डिफरेंशिएशन किए उस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये बना इसमें के कॉन्स्टेंट था फिर डेल एम बाई डेल वाई का डिफरेंशिएशन किए इस लॉजिक के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा बना देन फिर dx y dt dy y dt का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए dx y dt हम लोग निकाले हुए थे h आया था dy y dt k आया था वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए फिर इस दो टर्म में k से मल्टीप्लाई कर दिए इस दो टर्म में k से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा सिचुएशन बना यहां पे आप देखोगे ये है del 2f by del y del x ये है del 2f by del x del y क्यों अकॉर्डिंग टू स्वार्ज स्वार्ज के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एफ एक्स का एग्जिस्टेंस हो एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस हो तो आप तो कह रहे हो जो आपका फंक्शन के पास में कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव है अप टू एन ऑर्डर तक सारे ऑर्डर तक के लिए तो दो बार का तो है ही अकॉर्डिंग टू स्वार्ज एफ एक्स वाई बराबर रहा होगा एफ वाई एक्स के जब ये वो बराबर रहा होगा इस दोनों को ऐड कर दिए एच के देन भी इसको सिंबल में लिखने का प्रयास किए क्योंकि टर्म बहुत बड़ा सा है सिंबल में लिखने का प्रयास किए एफ को बाहर किए इसको कॉमन करना नहीं कहते हैं मल्टीप्लीकेशन नहीं है एफ इसके भी साथ में ऑपरेट होगा इसके भी साथ में ऑपरेट होगा एंड इसके भी साथ में ऑपरेट होगा ये सब ऑपरेटर है। यहाँ पे आप देखो ये h del y del x का स्क्वायर इसको भी दो टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख दिए और ये k del y del y का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर तो a प्लस b का होल स्क्वायर f क्या था आपका तो f x y था लेकिन आप इसको t के टर्म में बदल दिए थे तो आपका f a प्लस th b प्लस tk था फाइनल रिजल्ट आपका बना फाइव डबल डैश टी इक्वल एच डेल वाई डेल एक्स प्लस के डेल वाई डेल वाई स्क्वायर एफ ए प्लस टी एच बी प्लस टी के। हमको जरूरत है फाइव डबल डैश जीरो का फाइव डबल डैश टी का नहीं हमको तो जरूरत है मैक्लोरिन्स वाले फार्मूला में डालने के लिए फाइव डबल डैश जीरो का इसमें डाल दिए टी के बदला में जीरो जब ये टी के बदला में जीरो डाले हमको वैल्यू मिल गया h del y del x plus k del y का स्क्वायर जो कि ab एक ऑर्डर वाला में यही टर्म मिला था सिर्फ यहां पे स्क्वायर नहीं था दो ऑर्डर वाला में इस पे स्क्वायर आ गया तीसरा वाला में इस पे क्यूब आ जाएगा फोर्थ टर्म में इस पे 4 आ जाएगा n टाइम्स में इस पे n आ जाएगा
देन के आगे हम लोग जनरलाइज इसको कर दे रहे हैं। तो अब हम लोग क्या निकाल लिए अभी तक, जो निकाले उसको यहां पे लिखते हैं। दैट इज हमारे पास में था हाई डैश टी इक्वल एफ ए प्लस टी एच बी प्लस टी के, देयरफॉर हाई ऑफ जीरो एफ ए बी हाई ऑफ वन इक्वल एफ ए प्लस एच बी प्लस के। देन भी हम लोग दो बार तक का डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं। हाई डैश जीरो एच डेल वाई डेल एक्स के डेल वाई डेल वाई एफ ए बी हाई डबल डैश जीरो हम लोग निकाल चुके थे। हाई डबल डैश जीरो एच डेल वाई डेल एक्स के डेल वाई डेल वाई एस वाई एफ ए बी हम लोगों को जरूरत है हाई ट्रिपल डैश जीरो सो ऑन हाई एन जीरो का। सिमिलरली यदि आप इसको जनरलाइज करो, सिमिलरली हाई ट्रिपल डैश जीरो एच डेल वाई डेल एक्स प्लस के डेल वाई डेल वाई क्यू एफ ए बी क्यों पहला बार में जो आया था उसी में स्क्वायर होके सेकेंड बार का आया तो उस पर क्यू होके तीसरा बार का आ जाएगा। हाई फोर जीरो एच डेल वाई डेल एक्स के डेल वाई डेल वाई फोर एफ ए बी या जनरल फॉर्मेट में कह लें हाई एन जीरो हाई एन जीरो इक्वल एच डेल वाई डेल एक्स प्लस के डेल वाई डेल वाई एन एफ ए बी एंड सो ऑन। इस सारे वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन नंबर टू में ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। जब आप इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दोगे तो इक्वेशन सेकेंड आपका फाइव वन इक्वल्स समथिंग के फॉर्मेट में है। इक्वेशन सेकेंड में जब आप पुट करोगे तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। हम लोग इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर टू में। जब आप इस सारे वैल्यूज को इक्वेशन नंबर टू में डालोगे तो आपका इक्वेशन नंबर टू था हाई वन इक्वल्स एफ जीरो प्लस हाई वन एफ जीरो प्लस हाई प्लस वन बाई टू हाई डैश जीरो प्लस वन बाई फैक्टोरियल थ्री फाइव ट्रिपल डैश जीरो सो ऑन प्लस वन बाई फैक्टोरियल एन फाइव एन जीरो। जब आप इस सारे मान को इक्वेशन नंबर टू में पुट करोगे तो आपको मिलेगा वी गेट फाइव वन, फाइव वन आपका आया है ए प्लस एच बी प्लस के इक्वल्स फाइव जीरो आपका फाइव जीरो था एफ ए बी प्लस हाई डैश जीरो हाई डैश जीरो आपका आया था एच डेल वाई डेल एक्स
plus k del y del y if AB. फिर 1 by 4 into h del y del x k del y del y square f AB plus 1 by 4 into 3 plus 1 by 4 into 3 h del y del x k del y q f a b plus dot dot 1 by factorial n h del y x k del y whole to the power n f a b प्लस डॉट डॉट ये आपका रिक्वायर्ड टेलर्स का थ्योरम हुआ फंक्शन ऑफ दो वेरिएबल में किए हम लोग क्या उस स्टेप को आप फॉलो कीजिए जाके हमारा लॉजिक क्या तो हमको टेलर्स का स्टेटमेंट प्रूफ करना था दिया हुआ था जो फंक्शन के पास में कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव है ऑफ ऑल ऑर्डर्स का हम किए क्या फंक्शन ऑफ एक्स वाई को एक्स के बदले में ए प्लस टी एच वाई के बदले में बी प्लस टी के डाल दिए इट मींस हमारा फंक्शन एक टी वाले फंक्शन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया जब हाई ऑफ टी इक्वल्स एफ ए प्लस टी एच बी प्लस टी के देन भी वह सिंगल वेरिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल है सारे ऑर्डर्स के लिए तो उस फाई ऑफ टी के ऊपर में मैक्लॉरिन्स का थ्योरम लगा दिया तो मैक्लॉरिन्स के अकॉर्डिंग फाई ऑफ टी इक्वल्स फाई जीरो प्लस टी फाई डैश जीरो प्लस टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू फाई डबल डैश जीरो सो ऑन टी टू दी पावर एन बाय फैक्टोरियल एन फाई एन जीरो सो ऑन ऐसा मैक्लॉरिन का स्टेटमेंट होता है देन भी क्या किए उस एक्सपेंशन में टी के बदले में वन डाल दिए वन क्यों डाले क्योंकि हमको जो एक्सपेंशन चाहिए उसमें कहीं पे टी नहीं है इसमें कहीं पे टी तो है ही नहीं हमारा एक्सपेंशन थे एक्स वाई के टर्म में था मतलब ए बी के टर्म में जाना था हम टी रख के क्या करेंगे तो सबसे पहला काम किए टी के बदले में वन डाल दिए तो फाई वन के टर्म में एक्सपेंशन बना दिए मैक्लॉरिन का उस एक्सपेंशन में देखे तो जरूरत पड़ता फाई जीरो का फाई वन का फाई डैश जीरो फाई डबल डैश जीरो फाई ट्रिपल डैश जीरो सो ऑन फाई एन जीरो तक का और हमारे पास में फाई ऑफ टी बराबर एफ ए प्लस टी एच बी प्लस टी के फंक्शन था और ए प्लस टी एच इक्वल्स एक्स था बी प्लस टी के इक्वल्स वाई था तो उसको हम लोग टोटल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है df बराबर del f by del x dx plus del f by del y dy df by dt क्योंकि आपने फंक्शन को t के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया तो df by dt बराबर हो जाएगा del f by del x dx by dt plus del f by del y dy by dt इस फॉर्मूला के सपोर्ट से पहले phi dash t निकाल दिए हमको जरूरत phi dash 0 का था उसमें t के बदले में 0 डाल दिए देन फिर उसी डिफरेंशिएशन के फार्मूला से अगेन डिफरेंशिएशन किए तो फाई डबल डैश टी निकाल दिए फिर हमको जरूरत फाई डबल डैश जीरो का था उसमें टी के बदले में जीरो अगेन डाल उसी फाई ऑफ टी में टी के बदले में वन डाल दिए तो फाई वन निकाल दिए टी के बदले में जीरो डाल दिए तो फाई जीरो निकाल दिए दो बार तक का जो डेरिवेटिव आया था उसको जनरलाइज करके तीसरा चौथा इन बार तक जनरलाइज कर लिए जब सारा वन हमको मालूम है फाई वन का वैल्यू एफ के टर्म में फाई जीरो का वैल्यू एफ के टर्म में फाई डैश जीरो का वैल्यू एफ के टर्म में फाई डबल डैश जीरो का वैल्यू एफ के टर्म में सो ऑन फाई एन जीरो का वैल्यू एफ के टर्म में उस सारे वन को सब्स्टिट्यूट कर लिए फाई वन के एक्सपेंशन में जो विद द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन आया था
हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया,